दोस्तों, आज की स्टोरी कुछ खास है। हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था कि आप मेरी लव स्टोरी पर एक वीडियो बनाएं, तो यह वीडियो अंकित और दीपिका की लव स्टोरी का है। आइए मैं आपको अंकित और दीपिका की लव स्टोरी सुनाती हूँ। अंकित और दीपिका 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। अंकित दिल्ली में जॉब करता और अपने फैमिली के साथ रहता था और दीपिका अपने स्टडी के कारण जयपुर में अकेले रहती थी। कल अंकित का जन्मदिन था। दीपिका ने शाम को अंकित को कॉल किया। अंकित, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? दीपिका ने अंकित से पूछा। दीपिका, मैंने कई बार तुमसे कहा कि मुझे कुछ नहीं, बस तुम चाहिए, अंकित ने कहा। इसी बीच दीपिका के फादर का कॉल आने लगा। दीपिका के पापा का कॉल आ रहा है, बी आई विल कॉल यू लेटर। दीपिका यार, अंकित बात कहता इतने पर उसने कॉल काट दिया। अंकित सोचने लगा, दीपिका के पास मेरे लिए समय नहीं है। तभी दीपिका का मैसेज आता है, सॉरी अंकित, अभी पापा का साथ कहीं जा रही हूँ, खाना खा लेना, गुड नाइट। अंकित का मूड खराब हो गया, लेकिन उसे पता था कि दीपिका जरूर समय निकालकर उसे 12 बजे सबसे पहले बर्थडे विश करेगी। रात के 12 बजते हैं और दीपिका का कॉल नहीं आता है। अंकित इंतजार करता है और लास्टली दीपिका को कॉल करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर कॉल ट्राई करते करते अंकित की आंख लग जाती है। सुबह के 4 बजे अचानक अंकित का मोबाइल रिंग होता है। वह हचकचाकर उठता है और आधी नींद में कॉल रिसीव करता है। उधर से आवाज आती है, जी कौन बोल रहा है? यहाँ पर जयपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है और लड़की की हालत गंभीर बनी है, उसे जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराए हैं। आप जल्दी आ जाएं, मैं जयपुर पुलिस से हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल। अंकित का फोन हाथ से छूटता है, फिर उठा के पूछता है, सर लड़की कैसी है? अभी ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं ना? गंभीर चोट लगी है। इसी बीच पुलिस वाला बोलता है, आप जल्दी आ जाएं, लड़की आईसीयू में है। अंकित आनन फानन हॉस्पिटल के लिए निकलता है। वो सुबह के 7 बजे हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर उसे मिलने नहीं देते हैं। हालत पूछता है तो डॉक्टर बताते हैं, अभी इलाज चल रहा है, उम्मीद है ठीक हो जाएगी। अंकित नम आंखों से आईसीयू की तरफ झांकता रहा है। आईसीयू रूम से आने वाले डॉक्टरों को हालत पूछता, इसी बीच अंकित को नज आवाज दी, आप साक्षी के परिवार से हैं, अब पेशेंट से मिल सकते हैं। अंकित आईसीयू के अंदर साक्षी की हालत देखते ही रो देता है। उसे पैरों और कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, जिसमें प्लास्टर लगी थी, लेकिन न होश में थी। अंकित पूछता है, ये कैसी हो गया? अभी कैसा लग रहा है? कहीं और चोट लगी है क्या? दीपिका मुस्कुरा के जवाब देती है, हैप्पी बर्थडे। अंकित दीपिका के हाथ छूटे हुए कहता है, पर मुझे बर्थडे का ये गिफ्ट नहीं चाहिए था। दोस्तों, दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड कर दूंगी। अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका और अपनी लवर का नाम लिखो, मैं स्टोरी बना दूंगी। अभी का लिए